अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लांट इन फोकस। और आज हम एक और प्लांट को देखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त एक चैलेंजिंग प्लांट जो है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और जिस तरह से मैं प्लांट इन फोकस की एपिसोड के अंदर आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कौन कौन से कंसर्न्स होते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट के और उसके बारे में जो है हम बात करते हैं, इसी तरह से आज मैं लेकर आया हूँ डम्पकिन डिफनबाकिया, डाइफनबाकिया जो भी आप कहना चाहते हैं। डम्पकिन कॉमन नाम है, डिफनबाकिया भी जो है वो इसका एक कॉमन नाम है यहाँ पर जो हम इसको देखते हैं लोकल नर्सरी के अंदर। तो शुगर केन आपने सुना होगा, शुगर केन देखा होगा, खाया होगा, उसका जूस पिया होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसको डम्पकिन क्यों कहते हैं? ये एक बेसिकली पॉइजनस प्लांट है और पॉइजन इसका क्या होता है कि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं जो कि अगर आपके मुंह में चले जाते हैं या आँखों में लग जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बहुत सारी बातों में और बहुत सारी जगहों में आया है कि ये आपका पैट और एक बंदा जो है वो ये टपका सकता है पूरे अच्छे तरीके से, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाए तो। खैर, ऐसा तो कोई सीन नहीं है अभी तक इतना, लेकिन आप एहतियात करें। तो बेसिकली इसका अगर सैप आपके मुंह में चला जाता है या आपके गले में चला जाता है तो आपके बोलने की सलाहियत जो है वो चली जाती है और काफ़ी टाइम तक आप जो है वो बोल नहीं सकते, आपके गले से आवाज़ जो है वो नहीं निकलती है। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है और देखा नहीं है, लेकिन पढ़ा है मैंने ऐसा कि ऐसा होता है सीन। तो इसीलिए आपको भी एहतियात करनी चाहिए, मैं भी एहतियात करता हूँ कि जब भी आप इसके आप लीफ वगैरह कटिंग करते हैं या स्टेम कटिंग करते हैं प्रोपगेशन वगैरह के लिए, या इसका लीव जो है वो ख़राब हो जाता है, आप उसको निकाल के फेंकने जा रहे होते हैं, तो आपके हाथों पर अगर वो सैप लग जाता है या आप कभी भी इस पर्टिकुलर प्लांट की अगर आप कोई भी काम करते हैं रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने हैंड्स को जो है वो अच्छे से वॉश करें, हाथों को अच्छे से धोएं, कोशिश करें आँखों में ना लगे आपका हाथ और इसका जो सैप है आपके गले में ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको डम्पकिन कहते हैं। अच्छा, वैसे अगर बात करें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हाउस प्लांट है। इसका जो फोलियज है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे और बड़े लीव्स होते हैं इसके, जिस तरह से इसका साइज़ ग्रो होता है, छोटे साइज़ में भी होते हैं, बड़े साइज़ में भी होते हैं। आज ये मेरे पास जो है वो काफ़ी बड़ा साइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो ये 5 फुट का है, इसीलिए मुझे आज खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ रही है, टेबल वगैरह का कोई सीन नहीं है आज, तो इसीलिए ये काफ़ी इसके बड़े लीव्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास चल रहा है। और मैं आज आपसे ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह से इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ। और पहले ऐसा नहीं है कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लिया है और मैं इसको ग्रो करने लग गया और बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, मैं ऑलरेडी जो है वो 2-3 दफ़ा छोटे प्लांट्स लेकर उनको मैं मार चुका हूँ, इसीलिए उनके एक्सपीरियंस जो है वो देखा मैंने, कहाँ कहाँ मैंने गलती की है, और अब मैं इसको उसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको चलाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 7-8 महीने हो गए इसको और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये न्यू लीव्स आया हुआ है, यहाँ काफ़ी सारे न्यू लीव्स जो है वो आ रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो केयर कर सकते हैं इसकी। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले अगर आप देखें तो इसकी जो टाइप्स हैं ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनका जो फोलियज होता है, उनका जो पैटर्न होता है, उनके ऊपर जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी डिफरेंट तरह के जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं और वेरिएशंस होती हैं इसकी। अभी जो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो काफ़ी आपको डिफरेंट पैटर्न दिख रहा होगा, अगर मैं आपको ये जूम करके भी दिखा सकूँ, साइड पर ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें जो ये कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसके कैमोफ्लाज की तरह जो है वो इसका यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, लाइट ग्रीन कलर है, ऑफ वाइट कलर है, वाइट कलर है, तो यहाँ पर इनका ये पैटर्न जो है वो मौजूद है। इनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, ये जो है वो क्रोकोडाइल है, डिफनबाकिया क्रोकोडाइल का जो है वो ये इसका नाम आता है, वैसे एक्जोटिका भी है, ट्रॉपिक स्नो भी है और कैमिला भी है, तो काफ़ी सारी इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं और इनके ऊपर वेरिएशन होती हैं। और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनके लिए ज़रूरी हैं और उनको हम उसके मुताबिक जो है वो केयर कर सकते हैं। डिफन बाकी अगर ख़राब होता है तो सबसे जो मेन कंसर्न होता है इसका वो यही होता है कि इसकी ओवर वाटरिंग। मेरे पास जितने भी लास्ट टाइम मैंने जो डिफन वाकियाँ लिए हैं वो सारे के सारे जो है वो ओवर वाटरिंग की वजह से जो है वो ख़राब हुए हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने इसकी स्टडी करने के बाद जो है वो इसको देखा है कि किस तरह से इसकी, क्योंकि देखें नर्सरीज वाले जो होते हैं, नर्सरी वाले आपको कोई भी टोपी पकड़ा देते हैं कि भाई ये ऐसे कर लें, इसको इतना पानी देना है, इसको ऐसे रखना है, तो आपको नहीं आइडिया होता उस वक्त जब आप नया नया स्टार्ट करते हैं काम, तो आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आपको वो एक्सपीरियंस करूं कि जो एक अच्छी चीज़ जो मेरे पास चल रही है वो बातें मैं आपको बताऊं उससे रिलेटेड। तो जो पानी का सीन है वो वही है कि ओवर वाटरिंग सबसे ज़्यादा इसके लिए ख़तरनाक होती है, इसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगेन वही सोक एंड ड्राई वाला सीन है। अगर ये मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त इसके अंदर कोई पानी नहीं है, इसकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पूरी तरह से ड्राई है। अक्सर मैं आपको ये बात करके बताता हूँ हर वीडियो के अंदर, लेकिन आज मैं आपको ये साइड पे अगर आप देख सकें तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो ये इसकी अभी मिट्टी की हालत चल रही है। तो ये इस तरह से अगर आपको मिट्टी इसकी दिखे तो आपने इसको पानी देना है। इसे मॉइस्चर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, डिफनबाकिया को
ओवर वाटरिंग ही ख़त्म करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको जब आप देखें इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है तो आप इसको पानी दें, अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लाइट के अंदर इसका बड़ा ही मिसकंसेप्शन है, बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है इसका कि इसको लो लाइट के अंदर जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं लो लाइट के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, और ट्रॉपिकल प्लांट कोई भी हो या कोई भी दूसरा प्लांट हो, लाइट के अंदर उसको जो लो लाइट होती है उसके अंदर वो सिर्फ सर्वाइव करता है, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। इसके लिए ये जो कंसेप्ट है कि ये लो लाइट इसको चाहिए होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसको जितना आप ब्राइट लाइट के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये काम भी मैं कर चुका हूँ, इसको मैंने लो लाइट के अंदर रखा था, इसकी ग्रोथ बिल्कुल जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी और ये रुक गया था। तो इसको मैंने दोबारा ब्राइट लाइट के अंदर, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल धूप आई हुई है, और धूप डायरेक्ट नहीं आ रही, उसकी जो ब्राइट लाइट है वो यहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आ रही है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन जो है वो इसके लिए एक जगह है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको किसी भी ऐसे स्पॉट में रखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो लाइट की डायरेक्शन है वो यहाँ से आ रही है, तो इसके जो लीव्स हैं वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, तो आपको चाहिए कि इसका जो पॉट है वो आप रोटेट करते रहें, इसको घुमाते रहें, ताकि एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में इसकी लाइट जो आ रही है उसकी तरफ इसके लीव डाइवर्ट ना हो जाए, बल्कि ये चारों तरफ जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं ये चारों तरफ इसके जो है वो लीव्स इनकी डायरेक्शन मौजूद है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं है। इसीलिए आप भी इसके, अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप इसके पॉट को रोटेट कर दें। अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 15 से 27 का इसका आइडियल टेम्परेचर है, उससे ऊपर नीचे इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो आइडियल टेम्परेचर इसका होता है 15 से 27 का, तो उसके अंदर अगर आप इसको रखते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ मुल्तान के अंदर आजकल आप देखें 44-43 तो कोई बात नहीं है, फील लाइक में तो ये चल रहा होता है 48 तक चल रहा होता है। तो इसको मैंने जो है वो जो मेरा मैंगो ट्री है उसके नीचे मैंने रखा हुआ है, तो वहाँ से इसको अच्छी हवा, अच्छी लाइट हर डायरेक्शन से इसको मिल रही होती है, तो ये बहुत ही अच्छे से कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो कहने का मकसद यही है कि आप इसको अच्छा ह्यूमिडिटी जो है वो प्रोवाइड करें, अगर गर्म और ड्राई वेदर होगा तो इसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो जिस तरह से देखें अभी कुछ दिनों में इसकी जो है वो यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ से ये यह देखें ये लीव जो है वो इसके येलो होना स्टार्ट हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने नोट किया है, और अगर ये दिखा सकूँ यहाँ से भी जो है वो ये ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने देखा कि इसको यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट किया और इसकी पोजीशन थोड़ी सी मैंने चेंज की है, तो डायरेक्ट सनलाइट अगर आप इसको देंगे तो यही हाल होना है इनके लीव्स का, और ये इस तरह से जो है वो लीव्स इनके जलने शुरू हो जाएंगे और ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इनका क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, कुछ मसले मसाइल की बात करते हैं जो अक्सर हमें कॉमन जो है वो मसले दिखने को मिलते हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस पीछे रहा है, जो मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, सबसे पहला जो इसका बहुत ही कॉमन है वो ये है कि इनकी जो स्टेम होती है वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और फिर वहाँ से वो गल जाती है और वो ख़राब हो जाती है, और आपका जो फाइनल यही होता है कि आपको वो निकाल के फेंकनी पड़ती है। तो ये क्यों होता है, ये ओवर वाटरिंग की वजह से होता है, कि ओवर वाटरिंग मिट्टी उसकी गीली रहती है, पानी उसको बार बार मिलता है। ओवर वाटरिंग देखें दो वजह से हो सकती है, एक तो ये कि आप खुद पानी उसको ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरा ये कि आप उसका ड्रेनेज होल चेक कर लिया करें, जिस पॉट के अंदर वो है वो ड्रेनेज होल आप चेक करें, तीसरा उसका ये होता है एंड में कि उसकी जो सॉइल है उसकी टाइप देखें। अगर आपको हफ्ता लग रहा है, आप देखें कि हफ्ता हो रहा है, और गर्मी के टाइम में भी अगर हफ्तों हफ्तों जो है वो मिट्टी गीली है तो देखें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, या तो उसका ड्रेनेज होल नहीं होगा या उसकी आपको सॉइल की टाइप जो है वो थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। अच्छा, जो ये टिप्स होती हैं, दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो ये टिप्स होती हैं ये येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि इसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली आ रही है, एक नंबर ये इसका जो फैक्टर होता है वो ये होता है, दूसरा ये होता है कि ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा ये है कि अंडर वाटरिंग चल रही है, पानी आप बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं इसको, बहुत दिनों बाद दे रहे हैं, तो ये जो टिप्स हैं इसकी ये येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं और ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से। तीसरा एक और प्रॉब्लम ये होता है कि लीव्स घिरने स्टार्ट हो जाते हैं, पहले वो येलो होगा पूरी तरह से, येलो कलर होने के बाद वो घिर जाएगा, ये लो लाइट की निशानी होती है कि उसको लाइट बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, इस वजह से उसके लीव्स घिरना स्टार्ट हो जाते हैं।
अच्छा जी, प्रोपगेशन कैसे हो सकती है? तो इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान होती है, लेकिन थोड़ी सी टिपिकल होती है, चैलेंजिंग होती है, क्योंकि ये खुद एक चैलेंजिंग प्लांट है। और इसकी प्रोपगेशन बेसिकली स्टेम कटिंग से होती है। तो इसका जो केन होता है, उस केन को जो है वो हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और कटिंग करके जो है वो हम मिट्टी में लगा देते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि इसका अभी मेरा कोई मूड नहीं है प्रोपगेट करने का। मैं मज़ीद जो है वो कुछ डिफरेंट बाकियाँ लेकर आऊँगा और उनकी प्रोपगेशन वीडियोज़ आपको बनाकर दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और उनको किस तरह से हम प्रोपगेट करेंगे। हाँ, एक इसके अंदर से नीचे एक और जो है वो एक नया पप्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, और उसको हम जो है वो देखेंगे कि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं या उसको भी हम स्टेम कटिंग के जरिए जो है वो सेपरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह उसका मेरा सेपरेट करने का इरादा है, तो उसको मैं सेपरेट करूंगा जब, तो उसकी वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और डिफरेंट बाकी से रिलेटेड जितनी भी आपको मैंने चीज़ें बताना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर मैंने बता दी है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट के अंदर से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल दूंगा। और तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।